बिहार के नालंदा जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक स्कूल की 5 छात्राएं लापता हो गई है। शनिवार को 3 लापता हुई थी, जबकि 2 रविवार से गायब है। सभी 8वीं क्लास में पढ़ाई करती है। 3 छात्राओं ने अपने हाथ पर ब्लैक से अंग्रेजी के अल्फाबेट लिखे थे। वहीं स्कूल से छुट्टी के बाद 3 छात्राएं सीसीटीवी में मुख्य सड़क की ओर जाती हुई दिख रही है। मामले में पुलिस ने एक किशोर को हिरासत में लिया है। इसने ही ई रिक्शा से तीनों को स्कूल से 3 किलोमीटर दूर छोड़ा था, जहाँ एक लड़का तीनों का इंतजार कर रहा था। किशोर के अनुसार तीनों का बनारस जाने का प्लान था। वहीं 2 छात्राएं रविवार को लापता हुई। दोनों घर से मंदिर जाने के लिए निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। दीपनगर थाना क्षेत्र के मंडाच गांव निवासी लापता छात्रा के पिता ने गलत नियत से अपहरण का मामला अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया है। मामला दीपनगर थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय लालबाग का है। छात्रा के परिजन ने बताया कि शनिवार को छुट्टी होने के बाद बेटी घर नहीं लौटी। काफी खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। सभी परिजन एक दूसरे के घर जाकर बच्चियों की तलाश में भटकते रहे। परिजन किसी अनहोनी की आशंका को लेकर भयभीत है। लापता छात्राओं की सहेली ने कहा कि कचर में लगे ब्लड से उसने अपनी सहेलियों के हाथ में अंग्रेजी के शब्द लिखे थे। उन लोगों ने कहीं जाने या किसी भी प्रकार की अनहोनी की बात उसे नहीं बताई थी। दीपनगर थाना अध्यक्ष नारद मुनि सिंह ने बताया कि सीसीटीवी में 3 बच्चियों को सड़क की ओर जाते देखा गया है। एक किशोर को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के दौरान उसने कहा कि एक लड़का तीनों को अपने साथ ले गया। पहले वे लोग पटना जाने वाले थे, वहां से ट्रेन से बनारस जाना था। मैंने उन लड़कियों को ई रिक्शा में बैठाकर मगड़ा छोड़ा था। वहीं थाना अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है, जल्द ही लड़कियों को बरामद कर लिया जाएगा। बहरहाल आपको यह खबर कैसी लगी, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कितने बच्चों ने इस तरह का काम किया था? 3 बच्चे थे, मतलब 4 बच्चा था उसमें, 4 बच्चे थे। अच्छा, इसमें 2 बच्चे अभी है, उसमें से 2 बच्चे गए। क्या लिखी थी हाथ पर? इसमें वो एन लिखा हुआ था, वो लिखा था एस, वो एन लिखा था। सब ब्लेड से लिखे?